वॉशरूम्स में से एक बंदा निकला है, उसने, मैं उसका हुलिया आपको बताऊं तो लाल उसने कुर्ता पहना हुआ था बगैर कॉलर वाला, जूतियां उसने नहीं पहनी हुई थी। तकरीबन 7-8 बिल्ली के बच्चे सीढ़ियों के नीचे लाशें होंगी पड़ी हुई। मेरे भाई क्या नाम है आपका? खिजर हयात। खिजर हयात भाई, क्या महसूस किया जब आप वहां गए? सबसे पहले तो मुझे बताइएगा वो जगह है क्या? वो जगह है, मैंने जहां तक इंफॉर्मेशन निकलवाई है, वो एक शादी हॉल है। अच्छा। वो आबाद हो नहीं पाया या उस पर कंस्ट्रक्शन मजीद की नहीं, बस प्लस्तर कर दिया और जगह पे छोड़ दिया। वजह कुछ नहीं पता, हालांकि वो मेन जगह पे है जिसकी भी उसने ऐसी खुली छोड़ी है। हमारा मेन मोटिव यहाँ जाने का ये था कि अच्छा सा प्लाजा बना हुआ था, बाकी एक दो लड़कों ने भी तस्वीरें वगैरह खींची, हम मैं और मेरा एक दोस्त हम भी चले गए वहाँ तस्वीरें खींचने की सिर्फ इस नीयत से। मैं आपकी वीडियो बचपन से देख रहा हूँ, तो बस ऐसी जगह पे एंटर हुआ तो मैंने वहां पे वैसे ही ना एक मजाक में कह दिया, मैंने कहा बगैर नुकसान पहुंचाए जाहिर कर सकते हैं तो करें, वरना ना अगर हम तस्वीरें खींच रहे हैं हम चले जाएंगे। मैंने सिर्फ ये बात बोली है, एक बस वैसे ही मेरे जहन में आया, मैंने उसको कहा मैं पहली मंजिल पे खड़ा हूँ, तुम नीचे जाके ना मेरी 3x पे तस्वीर खींच दो, मैं आ जाऊंगा। वो जरा डरता है इन चीजों से, वैसे ही वो नीचे गया ही है, तो साथ ही वॉशरूम्स बने हुए हैं, उसमें आपको जाऊंगा ना दिखाऊंगा। उन वॉशरूम्स में से एक बंदा निकला है, उसने, मैं उसका हुलिया आपको बताऊं तो लाल उसने कुर्ता पहना हुआ था बगैर कॉलर वाला, लाल कुर्ता था उसका, नीचे उसने धोती पहनी हुई थी, जूतियां उसने नहीं पहनी हुई थी। और वो निकला है और मैं उसको सिर्फ देख रहा हूँ, उसने मुझे ऐसा इग्नोर किया है कि मैं कहता हूँ कि मुझे किसी ने ऐसा, मतलब उसने मुझे मेरी मौजूदगी को बताया नहीं उसने। वो जो निकला है उसने सिर्फ एक नजर मेरे पर डाली है, सिर्फ एक नजर, मैं उसको देख ही रहा हूँ। उसने मुंह फेरा है, सामने जाके दूसरे कमरे में चला गया। मैंने नीचे लड़के को कहा, मैंने कहा आओ जरा देखें कौन है। हाँ। वो आया, मैं उस कमरे में गया हूँ, ना उधर कोई बंदा ना उधर बंदे की जात। किस टाइम की बात है? असर से पहले की, रोशनी में, फुल उजाले में। रोशनी में आधे अंधेरे में क्या हुआ? उसके बाद आपसे जब रब्ता हुआ तो मैंने कहा जरा कल, मैं कल की तारीख में गया, मैंने कहा जरा आपके लिए वीडियोस वगैरह बनाऊं, तो खैर कल गए वहां पे, आपको तस्वीरें भेजी वहां पे। तो मेरे साथ वही तीन दोस्त थे, हम लोग नीचे वाली मंजिल पे थे, अचानक ना मुझे लगा कि किसी चीज ने झांका है। मैंने इनको कहा, मैंने कहा देखो 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 देखो, बाकी दोनों ने सिर्फ नजर पड़ी उनकी, वो उनकी हालत खराब हो गई, वो भाग गए। मैं उस चीज को देख ही रहा था, अभी मैं देख के निकला हूँ तो और लड़के भी ना तस्वीर खींचने की नीयत से आए। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा क्या है यहाँ पे ये? वो कहते हैं कि यहाँ पे चुड़ैल है कोई, हमारे दोस्त के साथ भी हुआ था, तस्वीर खींच रहा था, उसने ना वो कोई बातें इस तरह की कर रहा था कि मैं नहीं डरता, मैं नहीं करता, ये नहीं। वो सीढ़ियों पे खड़ा था, उसका किसी ने धक्का दिया, उसका सर फट के 15 उसको टाके लगे। फिर मैंने उनसे पूछा कि और क्या होता है? उन्होंने कहा ऐसा लगता है कि कोई चुड़ैल यूं करके झांकती है। और वही वाक्य हमारे साथ 5 मिनट पहले हुआ था, मैं उस टाइम चुप, मैंने कहा ये तो हमारे साथ 5 मिनट पहले भी हुआ है कि किसी ने इस तरह ना झांका है। अच्छा, वो लाल लिबास में वो उसको चुड़ैल समझ रहे हैं, इन्होंने करीब से देखा वो मर्द था, काला स्याह उसका रंग था, गंजा था, जैसे हल्की हल्की दाढ़ी आई हुई थी उसकी, और कह लेंगे एक अजीब और गरीब उसका चेहरा था, जैसे जला हुआ हो या क्या, समझ नहीं आ रहा था वो क्या है। उसने, बस ये था कि उसने अपनी मौजूदगी का जो मैंने कहा था जाहिर करके वो चला गया। तो उसे सलाम नहीं किया उन्होंने? नहीं, उन्होंने भी कुछ नहीं किया। नहीं, मैं सिर्फ अभी शक होके देख रहा था कि ये है कौन। मैं तो एक सेंस में ये भी था कि कोई नशेई हो, हमला ना कर दे, वहां पे जगह जगह नशेई बैठे होंगे, लेकिन नशेई इतने हट्टे कटरे और ऐसे नहीं होते। पहलवान था, प्रॉपर पहलवान, जैसे मंडी में जाते तो व्यापारी नहीं होते हट्टे कट्टे, या जैसे गुज्जर जिनको कहे दूध वाले, सही हट्टे कट्टे वैसे थे। जूती नहीं पहनी हुई थी, धोती थी और लाल उसने लंबा सा कुर्ता पहना हुआ था। अब वॉशरूम्स में से निकला, उधर तहखाना है, ज्यादातर उन्होंने कहा कि तहखाने में ही चीजें, तहखाने में मैं आज तक नहीं गया क्योंकि कोई सहारा होता तो चला जाता, मेरी ख्वाहिश थी मैं जाऊं लेकिन कोई दोस्त मेरे साथ जाने में माना नहीं। और तहखाने भी जगह जगह ना चौक से ये औरत नुमा छबियां बनी हुई है, तहखाने में भी एक बनी हुई है, मैंने बाहर से तस्वीर खींच के भेजी थी, तहखाने में बनी हुई है। किसने बनाई? फिर कल मैं गया तो मुझे इंतहा से ज्यादा बुरी स्मेल आई है, मैंने गौर किया तो तकरीबन 7-8 बिल्ली के बच्चे सीढ़ियों के नीचे लाशें होंगी पड़ी हुई, 7-8 बकरे के सर वो आगे जाके पड़े हुए, तो एक दो नहीं 8-9 की तादाद में ताजे सर। जादू हो रहा है, चलें दिखा सकते हैं? चल।
कितनी दूर है वो जगह? यहाँ से है 7-8 मिनट बस। अच्छा, थोड़ी दूरी है। वो रही सामने जगह, वो देखें जी उल्टे आते हैं, वो देखें नजर आ रही है। ढांचे कहाँ थे वो? पीछे है इसके ढांचे, ये सीढ़ियों के नीचे। इधर क्या स्मेल यहाँ तक आ रही है? चले कहाँ है ये? इसके नीचे लाइट मारेंगे आपको। लाइट, अल्लाह समझ जल्दी आ। बिल्ली की बनी है पीछे, तुम भी है। बहुत सारे हैं भाई, बहुत सारे एकदम। पत्थरों के सरों को भी फेंका गया है, चार क्या पता वो थके हैं, निराम जगह समझ के लोगों ने फेंकी है। ये देखिए भैया, मैंने कहा था ना वो ऊपर ऊपर लगे थे, ये पार्किंग में नहीं लगे मैंने कहा। अच्छा, आप अपनी मर्जी से आ रहे हैं ना? मैं अपनी मर्जी। बिल्कुल हाँ, कोई है ना। कुछ गया है ना? नहीं, लेकिन एकदम ऐसे क्या अंदर क्या रख गया है भाई? कौन है? दोस्तों कहा कि नीचे जाके ना मेरी तस्वीर खींचो, मैं इधर ही खड़ा हूँ।
तो मैंने उधर एक नजर मारी है तो वॉक करते हुए वो निकले हैं, चुलिया उनका आपको बताया मैंने, जुबा पहना हुआ, धोती पहनी हुई और जूतियाँ नहीं पहनी हुई। उन्होंने सिर्फ मुझे एक नज़र गुस्से से कहने देखा है, उन्होंने मुझे, मैं उनको देख ही रहा हूँ कभी उसी की क्या चीज़ है, देख के मुझे मुड़े और सीधा सीधा जा के अपने काम से उस कमरे में चले। फिर मैंने फ़ौरन हॉस्पिटल लेवल को ऊपर 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 आते साथ हम वहाँ गए, कुछ भी नहीं, नंगे पाँव, नंगे पाँव और असर से पहले का टाइम। और ये यहाँ पे इतने बारीक पत्थर हैं, ट्रैक्स हैं ये किस इंसान के, सर हम याद किसकी उस बंदे की, काफी ज़हीफ़ थे कि जुरियां 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 पूरे मुंह पे जुरियां बनी थी। इन्होंने इंसान को नहीं देखा, मैं कंफर्म कर रहा हूं, लोग इनको क्या हो गया, देखो कंटिन्यू जब से हैं जब से ये जब भी भोंकते हैं ये हो गया रहते हुए जब भी भोंकते हैं उनको मखलूकात नज़र आ रही होती है और इतनी तादाद में कुत्ते और भोंक रहे हैं, आप ये चेक करें। उनको लगा 85 साल की उम्र, नंगे पैर इस उम्र में, नंगे पैर इस फ्लोर में देखा, इसी फ्लोर पे हमारे चढ़ते हुए सांसें खुल गई हैं, 85 साल का आदमी जैसे ही पड़ा गया, ये मैंने कॉन्क्रीट को देखा, इस उम्र बहुत ज़्यादा 85 नहीं 800 साल लगे यहाँ लग रहा है कोने में बैठा हुआ था भाई, हाँ कोई कोने में बैठा हुआ था, नॉट रियली सीरियसली ब्लैक लिबास
बगैर नुकसान पहुंचाए खुद को जाहिर कर सकते हैं। ये देखो भाई आपको वो याद आ जाएगा मेंटल असाइनमेंट के नाम पे। सर वो हुए टेट्रा और वो पेंटागन सब मिक्स है इसमें यार। ये ऊपर देखो ये आपकी मेरी सोच समझ से बालातर मामले कौन आगे दिया क्वेश्चन मार्क क्रॉस यार ये अच्छा साइन नहीं है पता नहीं हाँ हाँ हो गया शदीद जादू का साइन हम यहाँ किसी नुकसान की नीयत से नहीं आए। तो मैंने यही बताया ऐसा नहीं होता बगैर नुकसान पहुंचाए खुद को जाहिर करना हो तो कीजिएगा वरना मत कीजिएगा। मिलने आए हैं आपसे बहुत दूर से दोस्ती की नीयत से। क्या आपको भेजा गया है बुलवाया गया आपको आसपास एक ही कदम उठाने में देखते रहना भाई देख के भाई कहाँ से डेविली स्माइल है यार ये भी कैटी है यार। तीनों के लिए को एक ही बारी में किया उनको कौन ला रहा है पता नहीं यार तुम कौन जमा कर रहे हैं कौन थे वो लाल लिबास में उनकी खाल लटकी हुई थी जो गायब हो गए नंगे पैर इस जगह पर जगह पर चुपने और जूतों में हम कंफर्टेबल हैं सर। फिर ये साइन कैसे मिले हैं यहाँ पर कौन अमल कर रहे हैं जादू कर यहाँ पे अमलियात तो हैं ये तो नजर आ रहा है वाकई है वाकई है इट मस्ट बी क्लीन इसको साफ होने की शदीद जरूरत है वॉशिंग लिक्विड जिसको बनियान दे होता है ना आपको ऐसा होता है ना इस्तेमाल जी भाई बिल्कुल बस यही है कि काला जादू के लिए ना अगर किसी कोई औरत पसंद आ गई है या कोई ऐसी बात है तो उसके जिस्म का पहना हुआ कोई भी चीज़ जो है ना वो उसके ऊपर अमलियात बहुत जल्दी होते हैं। यहाँ सदके के लिए सरिया भी फेंकी जा रही है बलाओं को डालने के लिए यहाँ पर आके अमलियात भी किए जा रहे हैं यहाँ पर आकर रिचुअल्स भी किए जा रहे हैं तो ऐसे असरात फैलते हैं। अब आपको समझिए असरात कैसे फैलते हैं इंसान ही होता है पीछे ज्यादातर उसी के कुछ तरह के अमल होते हैं वो खुद तो नुकसान उठाता ही उठाता है वो जब वो जगह पुसरा हो जाता है तो
देख के आराम आराम से भाई काली बिल्ली मैंने खुद देखी यार ऐसा लग रहा है कोई देख रहा है ना? वो सामने भाई ये जान कर रहा था सामने यार। वैसे सज्जाद भाई इतनी बड़ी जगह कोई अपनी जाया नहीं करेगा। जहाँ से देखी देखी नहीं आपको देखा वो तो उन्होंने देखते साथ दौड़ लगे वो भी पीछे हो गए। कौन था कह सकते हैं हाँ क्योंकि झलक आएगी शरारत में जाते हैं ना जैसे ऊपर तस्वीर बनी सेम नामुमकिन है सजात किसी इंसान की तस्वीर बनी नहीं तस्वीर के साइड में जो जगह है वहाँ से किसी ने झाँका है और वो पीछे हुए शरारत करके जैसे भाई अमलियात भी हुए हैं बद फैली भी हुई है इस जगह पे जादू भी जादू है भी ऐसे आती हैं मखलूकात वो खुद क्या आएंगी या हमारे इंसान ही जो है ना वो ही बाज नहीं आते कोई वीरान जगह देखो
कचरा कुंडी उसको बना देंगे। पढ़े लिखे लोग रहते हैं आसपास, उसके बावजूद भी जगह का कचरा वहाँ होगा और उस कचरे के अंदर क्या क्या होगा, फिर जादूगर हजरात, आमलीन हजरात अपने मकासद पूरे करेंगे। यहाँ ऐसी जगह पर कोई अगर कोई चौकीदार होते तो वो इनसे पूछते ना, क्या कर रहे हो यहाँ पर? वॉशरूम के अंदर से लाल कुर्ता और धोती, नंगे पैर, पहलवान, पहलवान 85 साल उम्र, खाल लटकी हुई, वो निकल रहे हैं गाला से, वो देख रहे हैं इनको, एक गुस्से से देख के आगे गए हैं और फिर गायब है। नशा करने वाले इस उम्र के तो नहीं होते, और इतने पहलवान तो नहीं होते, इतने पहलवान तो नहीं होते इस सोसाइटी में, कैसे हैं इनके अंदर यार? वो गार्ड अगर होते तो इनसे पूछते, चौकीदार होते इनसे पूछते, वो यहाँ आएंगे क्यों और नंगे पांव क्यों? इसके बिल्कुल ये साथ बैकसाइड पर नाला भी गुजरता है, बताओ। और सर ऐसे मौके पे जो होते हैं ना, जो इंसान होते हैं वो अपने बच्चा समझ के लेते हैं, बेटा नीचे जाओ, आप क्यों आओगे यहाँ पे? वो तो ऐसा लग रहा है चोरी पकड़ी गई उनकी, या तो वो खुद कोई जादूगर थे, आमिर थे, बिल्कुल आलिम थे, जो इंसान देखे या वो इंसान देखे।